फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, जो दूसरा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। ठीक है, हिंदी में तो इसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी वाले भाषा में हम लोग मतलब यूपी बिहार के लोग में क्या करते हैं कि इसको विपद प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, मैंने विपद प्रमेय का मतलब कि विपद तो नहीं है, लेकिन मैंने विपद की तरफ कार्य करता है। ठीक है, मैंने एकदम समझिए कि टेंशनाइज होता है, मतलब कि जल्दी समझ में आता है लेकिन जल्दी भूल भी जाता है। ठीक है, तो जल्दी भूलने से मैंने क्या होता है कि चैप्टर जल्दी जितना आएगा उतना जल्दी भूल जाता है। तो आपको क्या करेंगे कि सबसे पहले एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो सात वर्डों में स्टार्ट, ठीक है, PNGM ICM, और इस सात वर्ड में बाइनोमियल थ्योरम को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे मतलब जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, खनो खाते रहेंगे ना तो मैंने याद पड़ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम PNGM ICM। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई आप वीडियो को सबसे पहली बात एक और कि अगर आप पॉलिटेक्निक के हैं तब तो सही है, इंटरमीडिएट में 11th के भी छात्र हैं तो भी ये काम करेगा आपका। ठीक है, और एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं वहां के लिए तो मतलब समझिए एकदम रामबाण है, मैंने एकदम समझो एकदम छोड़ देंगे तीन तान करके, एकदम समझिए कि दो क्वेश्चन फिक्स लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने एकदम द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, आइए सबसे पहले टाइम को वेस्ट न करते हुए जाने कि द्विपद प्रमेय होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहले द्विपद प्रमेय यानी आपका द्विपद प्रमेय है तो ये क्या होता है कि ये द्विपद बाइनोमियल थ्योरम का मतलब द्विपद और प्रमेय, इसका मतलब कि ये जो प्रमेय है ना, ये जो थ्योरम है वो दो पदों पे टू टर्म्स पे लगने वाला है। ठीक है, माने जो प्रमेय है वो दो पदों पे लगेगा। ठीक है, अब दो पद का मतलब जो सपोज करिए क्या हो सकता है भाई, अगर जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो ये मतलब ये तो हमको जनरली लिख दिया जाता था ना कि लो भाई a plus b का होल स्क्वायर है, डॉट लो a plus b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab भी आया। लेकिन ये कहां से आया है a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, तो जिस थ्योरम के अनुसार है उसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इसको भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab कहां से आ रहा है, a plus b का होल क्यूब a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab क्वेश्चन में a plus b कहां से आ रहा है, ये सारा हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखना है आपको। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम पर बहुत लाजवाब तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो समझिए होता क्या है जनरली कि ये दो पदों का नियम रहता है, मतलब समझिए कि अगर कहीं आपका इस रूप में दिया हो दो पद, अगर सपोज करिए एक्स प्लस ए और इसका होल पावर कितना लगा हो एन, तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि भाई अगर यहाँ पे पावर दो था तब तक तो सही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी कर लेंगे, पावर में तीन रहेगा तो वो आप ए प्लस बी का होल क्यूब विस्तार कर लेंगे, लेकिन ये बताइए पावर में पांच कर दें तब तो दिक्कत आपको मतलब दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर हम पावर में दस कर दें तो मैंने और हाँफने लगेंगे एकदम हालत खराब हो जाएगा, अगर हम पावर में कहीं पचास कर देते हैं तब तो मैंने सही है कि एकदम लेके बैठी है कपाल है पकड़ के। ठीक है, तो मैंने कि जो इसका मतलब कि पावर में एन बढ़ता जाएगा तो इसके लिए कोई ना कोई थ्योरम देना पड़ेगा ना, और जिस थ्योरम के अनुसार हम पावर में एन लगे रहेगा इसका जिस थ्योरम के अनुसार प्रसार करते हैं उसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम इन द्विपद प्रमेय। ठीक है, अब इसका प्रसार क्या होता है तो देखिए सिंपल तीन वर्ड याद रखने आपको, देखिएगा सबसे पहला वर्ड क्या होता है एन सी जीरो, दूसरा वर्ड होता है एक से घात एन माइनस जीरो, और तीसरा होता है इंटू ए के पावर जीरो, एन सी जीरो एक्स के घात एन माइनस जीरो और ए के घात जीरो, ये एन है सी जीरो एक्स के घात एक्स वाला है एन माइनस जीरो और ए के घात कितना हो गया जीरो। ठीक है, और आपको बस सिर्फ ये तीन वर्ड याद रखना है एन सी जीरो एक्स के घात एन माइनस जीरो और ए के घात जीरो। ठीक है, अब जहां जहां जीरो है तो भाई पहला पद लिखे तो जीरो लिखे, अब अगला पद लिखना पड़ेगा तो जीरो के बाद कौन सा वर्ड आएगा वन आएगा, इसका मतलब कि अब जीरो के बाद कौन सा वर्ड लिखेंगे वन, यानी जहां जहां जीरो है वहां वन कर देंगे, कितना हो जाएगा एन सी वन एक से घात यहाँ पे जीरो तो कितना लिख देंगे एन माइनस वन और ए के घात कितना हो जाएगा आपका वन। ठीक है, अब क्या होगा कि अगला अगर हमको पद लिखना होगा तो जहां जहां वन है आप टू लिख देंगे तो कितना हो जाएगा एन सी टू एक से घात एन माइनस टू और ए के घात कितना हो जाएगा टू। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे प्लस अगर डैश डैश अगर हमको एनवा पद लिखना होगा तो एन सी एन एक से घात एन माइनस एन और ए के घात कितना हो जाएगा आपका एन। ठीक है, अब वही प्रॉब्लम है कि एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू इन सब का मान क्या होगा, ये x और a के पावर तो कुछ भी करना होगा तो कर लेंगे, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू का मान क्या होगा, तो जो जनरली फार्मूला होता है इसका मतलब इसी को बोलते हैं बेसिक,
ठीक है। और आपने हमको उम्मीद है कि शायद आप पढ़ चुके होंगे क्रमचय और संचित और परमिटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। तो वहां से फैक्टोरियल एनसीआर एनपीआर के बारे में अगर नहीं जानकारी हो तो थोड़ा सा बेसिक करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो एनसीआर का जो फार्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए फैक्टोरियल के हम सामान्यतः या तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं या फैक्टोरियल एन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे, ठीक है। और फैक्टोरियल एन को नहीं, सॉरी, यहाँ पे नीचे की तरफ लिखे, ठीक है। और फैक्टोरियल एन का जो मान होता है हिंदी में इसको बोला जाता है क्रम गुणित। हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रम गुणित। अब क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? मैंने क्रम से गुणा, ठीक है। मैंने क्रम से गुणा का मतलब जैसे हम पांच को बोलेंगे, क्रम से गुणा करें तो पांच को गुणा कहाँ से करेंगे? 5 × 4 × 3 × 1। इसका मतलब कि फैक्टोरियल एन का जो मान होता है वो कितना होता है? सबसे पहले एन लिखेंगे, एन के बाद क्या होगा? इंटू में एन माइनस वन, फिर इंटू में क्या होगा आपका? एन माइनस टू, फिर इंटू में कितना हो जाएगा? एन माइनस थ्री, और ये घटते घटते कहाँ तक चला जाएगा आपका? 3 × 2 × 1, ठीक है। फैक्टोरियल एन का मान कितना होता है कि भाई एन मतलब जितना का मान निकालना, सपोज करिए जिसका मतलब अगर हम फैक्टोरियल 5 का मान निकालना हो तो कितना लिखेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अगर हमको फैक्टोरियल 8 का मान लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1, ठीक है। इसका मतलब कि आपको अगर 10 का मान निकालना है तो कितना से लिखेंगे? 10 से स्टार्ट करेंगे और 10 से कहां तक घटते घटते चले जाएंगे? 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब समझिए जैसे हम किसी का मान निकाल के आपको दिखाते हैं, जैसे अगर हमको 5C3 का मान निकालना है, ठीक है। तो एक तो इस फार्मूले पर कितना होगा? फैक्टोरियल एन है, एन का स्थान पे कितना है? 5, तो फैक्टोरियल 5, और बटा में फैक्टोरियल आर के स्थान पे कितना है? फैक्टोरियल 3, और फिर कितना हो जाएगा? 5 − 3 एन माइनस आर, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 ऊपर है, नीचे कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3, और इसमें से 5 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए फैक्टोरियल 5 को लिखना चाहेंगे तो कितना होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 को आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे कितना होगा? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 दिखाई दे रहा है, उसको घटा देंगे कचाट से, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 और इंटू, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खचा के कट गया और 2 × 2 = 4 हो गया। अब 5 × 2 = कितना हो जाएगा? 10। ये तो रहा मैंने लॉन्ग मेथड, ठीक है। मैंने कि एकदम से मैंने समझिए कि आपको एकदम कान पकड़ना है तो घुमा घुमा कर ऐसे पकड़ रहा है, मैंने वैसे पकड़ रहा है, ठीक है। अब सिंपल डायरेक्टली कैसे मेथड अपनाएंगे तो देखिएगा हमारा सिंपल शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, ठीक है। दो दो नहीं बताएंगे, तीन तीन कैसे कैसे कर लेते हैं, ठीक। 5 से 3 का मान निकाला तो क्या करना है आपको देखिएगा, 5 से 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा सीधा एक लाइन खींच लेंगे, मैंने सीधा सीधा लाइन खींच ली, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे वाले को देख लेते हैं, नीचे वाला कितना है? 3 है, तो 3 को कहाँ तक लिखेंगे? 1 तक, मैंने 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1। अब इसको 3 बार लिखे ना तो 5 को मतलब छोटे क्रम में घटते हुए क्रम में वो 3 बार घट जाएंगे, तो 5 को 3 बार घटेंगे तो कितना होगा? 5 × 4 × 3, जितना इसको लिखे हैं जितनी बार उतनी बार इसको घट जाएंगे। और कटा दीजिए, देखिए 3 से 3 कट गया, 3 × 2 = 4 और 5 × 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं समझ में आता, सपोज करिए कितने का मान निकालना है? 8 से 3 का मान निकालना है, चाहे 8 से 3 का 3 खा ले रहा है, हम 4 ले रहे हैं, 8 से 4 का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर बटा बना लेंगे और 4 को लिखेंगे कहाँ तक? 1 तक, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और ये ऊपर के इसको कितने बार घटे हैं? 2 2 4 बार घटे हैं, तो 8 को 4 बार घटेंगे, 8 × 7 × 6 × 5, 4 बार घट गए। अब इसको काटा लेते हैं, देखिए 4 × 2 = 8 खत्म, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10 आते कितना आ जाएगा आपका? 70, ठीक है। तो एक ये मेथड है, अगर इससे भी आपको नहीं आता है तो एक हम और सिंपल मेथड होता है जिसको दांत तोड़ नियम बोलते हैं, दांत नहीं तोड़ना है, लड़ाई नहीं करना, इसके साथ लड़ना, ठीक है। और आसान तरीका, वो भी आसान है, इससे भी आसान है, ठीक है। तो हमको मिलेगी ये बात समझ में होगी, और इसको इरेज कर वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए, ठीक है। एकदम आग लगा देना है, मतलब दिमाग पर एकदम मजा आ जाएगा।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा इस जो NC0, NC1, NC2 दिखाई दे रहा है इसका मान साफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी फार्मूले पे निकालना है आपका, NC0 का मान निकालना है। NC0 बोलिएगा सबसे पहले कितना होगा, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल कितना हो जाएगा नीचे वाला 0, और फिर फैक्टोरियल n माइनस 0। और याद रखने वाली बात याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का भी मान कितना होता है 1, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कहां से आता है इसको भी आप करेंगे तो प्रूफ करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो, ठीक है ना। ये बीटा गामा फलन है, मैथ सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, वहां से प्रूफ करते हैं फैक्टोरियल 0 का मान कैसे बनता है, ठीक है। तो यहां पर NC0 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल n बटा में a 0 फैक्टोरियल, अब इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, और n में से 0 कटेंगे तो n होगा, और कट के कितना बना देगा आपका मान, यानी NC0 का मान कितना हो जाता है आपका 1, ठीक है। और फिर कौन सा आपका NC1, कितना आपका NC1, तो इसको इसी फार्मूला पे लिखेंगे, कितना होगा फैक्टोरियल n बटा नीचे वाले को फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। 1 का तो मान 1 हो जाएगा, तो मैंने 1 से गुणा वाला कराएंगे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये तो अपना आला आदमी है। अब n को सॉल्व करेंगे, देखिए फैक्टोरियल n है तो घटाएंगे देखिए n, और n में से घटा के लिखना चाहेंगे तो अगला क्या बनेगा, 5 था तो 5 को n था तो n को घटा के n माइनस 1 लिखे ना, तो अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n माइनस 1, और नीचे भी कितना है आपका फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये कट जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा आपका, माने NC1 का मान कितना है n, ठीक है। अगला थोड़ा सा निकाल के देखते हैं कितना है आपका NC2, अब इसका इसी फार्मूले पे कितना होगा, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है, माने इसको इसको लिख देना है, इसमें से इसको घटा देना, ठीक। अब कितना हो जाएगा, n को घटा के लिखेंगे तो कितना होगा n n माइनस 1, और नीचे कटाना है तो कितना लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 2, और नीचे भी कितना होगा, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 गुणे 1, और ये n माइनस 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ये वाला आपका कट गया, तो ये कितना हो जाएगा n n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल यानी 2, ये दो लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम NC3 का मान लिखना चाहेंगे डायरेक्टली लिख सकते हैं NC3, अब बोलिएगा समझना है, यहाँ पर कंसेप्ट समझना है, ठीक है। यहाँ NC0 है, NC0 है तो यहाँ पर कितना आया 1, इसको छोड़िए, NC1 है तो यहाँ पर सिर्फ कितना आ रहा है n, NC2 है तो कितनी बार कट रहा है देखिएगा n n माइनस 1, मतलब यहाँ पे 2 है तो n को कितनी बार कट रहा है 2 बार, और नीचे जितना है उतना पर फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। अगर NC3 होगा तो अब n को कितनी बार कटेंगे 3 बार, मतलब कि n n माइनस 1 n माइनस 2, हमने n को 3 बार कट गया, और नीचे जो 3 है इसके साथ क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल 3, ठीक है। अगर NC4 का मान लिखना है, NC4 का मान लिखना है तो कितना हो जाएगा NC4, तो देखिए n को कितनी बार कटेंगे 4 बार, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, 4 बार 1 2 3 4, अब बटा में जो भी नीचे है जो ये 4 दिखाई दे रहा है इसके साथ क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल 4, ठीक है। और जो NCn होता है, NCn का भी मान कितना होता है आपका 1, इसको भी इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं NCn वाले फार्मूले से, ठीक है। NCn का मान कितना होता है आपका 1, तो निष्कर्ष क्या निकल गया है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करते चलिए, एक बार हम निष्कर्ष को लिखते हैं, ठीक है। तो जो निष्कर्ष निकला है आपका इसको मिटा देना है, ठीक है। अब जो निष्कर्ष निकल के आया हमारा इस फार्मूले से, क्या निष्कर्ष निकल के आया आपका, कि भाई NC0 NC0 का मान कितना हुआ 1, NC1 का मान कितना निकल गया है n, NC2 का मान कितना निकल गया है n n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, ठीक है। NC3 के बाद में आप बात करें, NC3 का मान कितना हो जाएगा NC3, तो n n माइनस 1 तीन बार तीन बार कटेंगे n माइनस 2 और बटा फैक्टोरियल 3, ठीक है। अगर NC4 का मान लिखना हो तो कितना हो जाएगा n, चार बार लिखेंगे n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और बटा में कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4, ठीक है। अगर NC5 का मान लिखना है, NC5 तो कितना हो जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4, अगर ये भी नहीं किया इसे भी नहीं समझ में, तो इसलिए 5 है तो एक कम बार बढ़ते हैं, मतलब 5 है तो 4 तक लिखेंगे और बटा में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको कंसेप्ट समझ में, और लास्ट हमने लिखा था कि अगर NCn का मान निकालना हो तो NCn का भी मान कितना होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि NCr का मतलब क्या होता है, मतलब n वस्तुओं में से r वस्तु का चयन करना,
ठीक है। और अगर 5 आदमी हैं, हम बुलाना चाहेंगे 5 आदमी आ जाइए, तो कितने प्रकार से आ सकते हैं, एक ही प्रसाद में आएंगे, तो ये क्या होगा, एनसीएन का मान कितना रहता है। ओके मिटका दो। अरे ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं और इसको नोट करिए और इस फार्मूले में पुट करके, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये सब नोट करते रहिए एकदम से, बने एकदम गाने लिखने से याद हो जाएगा, जैसे भोजपुरी है ना, सर ये याद कर लेते हैं ना, एकदम वैसे ही याद कराते हैं आपको, ठीक है। अब सुनिएगा, तो देखिए अभी यहाँ पर रखिए मान, देखिए एन सी जीरो का मान कितना आया था, 1 × x^2 कितना है, एन माइनस एक से घट कितना है आपका, एन माइनस जीरो, यानी सिर्फ कितना हो जाएगा एन, और इन टू किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान कितना हो जाता है 1, ये तो बहुत पहले से जानते हैं, गुणे गुणन हो गया, प्लस एन सी वन का मान कितना आता है एन, इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स के घट एन माइनस वन, इंटू में कितना है आपका ए, ठीक है। अगला लिखेंगे तो एन सी टू है, एन सी टू का मान कितना होगा एन एन माइनस वन और बटा में फैक्टोरियल टू, इंटू कितना है आपका एक्स के घट एन माइनस टू और इंटू ए का, ठीक है, ऐसे ही लिखते जाएंगे, प्लस डैश डैश डैश, और एन सी एन का मान हमने बोला था कि 1 होता है, इंटू एक से घात एन माइनस एन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कौन संख्या का पावर 0 तो उसका मान कितना हो जाता है 1, ये हो गया 1, और गुणे ए के पावर कितना हो गया आपका एन, तो इसको एक बार और लिख देते हैं, ये आ जाएगा एक से घात एन प्लस ये हो गया एन एक से घात एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन एन माइनस वन बटा फैक्टोरियल टू इंटू एक्स के घात एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डैश डैश, और ये लास्ट में कितना आ जाता है एक के घात एन, ठीक है, और ये किसका प्रसार आ गया आपका एक्स प्लस ए के पावर एन का। अभी कुछ नहीं है, खाली मैं भूमिका बना रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मतलब एक वर्ड और एक वर्ड समझ में आएगा कि कहाँ से निकल गया है, ठीक है। अब समझिए, अब इसी पे हम थोड़ा सा फार्मूला को पुट करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, हमने बोला था कि इसको दिखाएंगे कि a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आ जाता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी नहीं आ गया हम लोग, कितना है c 0, ठीक है, यहां x के स्थान पे कितना है, x के स्थान पे देखिए x है, ये x का मान कितना है आपका a, तो कितना लिखेंगे x का n - 0, यानी a के घात कितना आ जाएगा आपका n का मान है 2 माइनस जीरो, ठीक है, और इंटू दूसरा वर्ड क्या है, अब a के पावर 0 और a के स्थान पे कितना है b, तो कितना हो जाएगा b के पावर 0, अब लिखते चलिए, अब जहां जहां 0 होगा वहां करेंगे कितना हो जाएगा 2c1 इंटू a के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 और इंटू b के पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगला लिखिए 2c2 a के घात कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 और इंटू b के घात 2, अब बताइए जितना यहाँ पे था n, यहाँ पे n c n आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 n आएगा, अब समझिए n c 0 का मान कितना था 1, अब n c 0 का मान 1 था तो 2 c 0 का भी मान कितना होगा 1, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1, यानी कितना आ जाएगा आपका a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन सी वन का मान कितना होता था एन, तो टू सी वन का भी मान कितना हो जाएगा टू, गुणे ए का कितना होगा 2 में से पावर घटाएंगे तो ए हो जाएगा, इनटू कितना हो गया आपका बी, प्लस एन सी एन का मान कितना हो रहा था आपका ए, एक एन सी एन का मान कितना था एक, तो टू सी टू का भी मान कितना हो जाएगा 1, गुणे ए के पावर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान ए, और इनटू बी का स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस ये 2ab और प्लस कितना आ गया बी स्क्वायर, मजा आ गया, दिखाई दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यही ए प्लस बी का होल क्यूब भी निकाल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल्स में ए प्लस बी, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो गई, तो इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मैंने जानते ही हम क्या करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगे धन्यवाद, टेक केयर।